बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रुपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में लगातार पार्टियों का दामन थामने का भी दौर शुरू हो गया है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं गौरव गुप्ता जी, जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत गौरव जी जुड़ने के लिए जी। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर गौरव जी का दे दूं तो बताते चलूं कि यहाँ पर आप देखिए पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर सेक्रेटरी के पद पर काम किया, इलेक्शन को जीता, लेकिन उस बीच में जम्मू क्लब में भी गए, वहां पर भी सेक्रेटरी के पद पर, एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद पर, और साथ ही साथ आप देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर जम्मू क्लब के अंदर जो इलेक्शन हुई वो भी जीती और उसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर भी इलेक्शन को जीता, यानी कि टेन्योर के हिसाब से देखा जाए तो 6 इलेक्शन को जीत कर अब भारतीय जनता पार्टी में गौरव जी आ गए हैं। तो गौरव जी किस तरह से आज के इस दिन को देख रहे हैं, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज के दिन को एक अपनी नजर से देखता हूं, मेरे लिए आज एक काफी इंपॉर्टेंट दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पर मुझे लगता है कि बड़े करीबी से मैंने सारी मतलब पूरी एक सिचुएशन को देखा, जहां पर मुझे लगा कि देश में इस समय 2 विचारधाराओं पर काम हो रहा है, एक राष्ट्र विचारधारा है और दूसरी तरफ जो विचारधारा है वो राष्ट्र को तोड़ने की विचारधारा चल रही है, जिसको हम राष्ट्र विरोधी विचारधारा कहेंगे। और आइडियोलॉजी की जब बात करें, शुरू से ही एक नेशनलिस्ट अप्रोच से हम भी आगे बढ़े और मुझे लगा कि जब मैं पूरा एक इसका कॉग्निजेंस लेता हूं पूरी चीज का, और हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो अपने आप को PM कैंडिडेट बोलते हैं, और बड़े दिलचस्पी से जब मैं उनका सारा एक संदर्भ में देख रहा था कि किस तरीके बाहर के मुल्कों में जाकर कभी सैम अंकल से एडवाइस लेते हैं, कभी इलान उमर से मिलते हैं, कभी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं यहाँ, और उनकी एडवाइस पर लेकर हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक तरफ विचारधारा है जो मेक इन इंडिया की बात करती है, मेड इन इंडिया की बात करती है, और एक तरफ जो विचारधारा है जो आज ब्रेक इन इंडिया की बात करती है। इसी सब को देखते हुए मुझे लगता है कि यही सारी एक नीतियों को भाजपा की देखते हुए, जो कि विश्व की एक सबसे बड़ी जो पार्टी है, जिसको आज हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके लीड कर रहे हैं, और जिस तरीके उन्होंने आह्वान किया था 2023 15 अगस्त पर लाल किले से पूरी हमारी 140 करोड़ की जनता को कि 2047 का जो भारत होगा वो एक विकसित भारत होगा, उसी श्रेणी को देखते हुए, इस पूरी विचारधारा को देखते हुए आज मैंने भाजपा का आइडियोलॉजी को लेकर आप बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है इसलिए पार्टी में आएंगे, लेकिन अब आगे की रणनीति किस तरह से है, किस तरह से गौरव गुप्ता काम करेंगे? देखिए, आगे की रणनीति तो हम तो एक छोटे से सिपाही हैं, हमने तो आज ही ज्वाइन किया है, और आगे की रणनीति जो देश को जोड़ने का काम जिस तरह भाजपा कर रही है, हम उनके साथ लग जाएंगे, एक साधारण सिपाही की तरह हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो एक अल्टीमेटली जो एक संकल्प है 2047 का विकसित भारत का, मुझे लगता है कि वो स्वप्न जो हम सब ने लिया 140 करोड़ की जनता ने, हमें उस स्वप्न के लेते हुए उसके उस संकल्प को हमने पूरा करना है, उसी एक विचारधारा को लेकर। जम्मू कश्मीर के अंदर विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त आप देख रहे हैं चुनावों के दौरान 370 को वापस लाना है, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस बंधन में इस वक्त चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैं आज मैं जम्मू कश्मीर के जब संदर्भ में बात करता हूँ, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूँ या PDP की बात करूँ या मैं जितनी भी ऐसी पार्टीज हैं जो जिनका आज की डेट में अगर आप उनका मैनिफेस्टो भी पढ़ लीजिए, जहाँ पर 370 की वापसी की बात करते हैं, यहाँ आप देखिए सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते हैं, अगर आप उनके मैनिफेस्टो में बड़े करीबी से देखिए ऑटोनॉमी की बात करते हैं, सेल्फ रूल की बात करते हैं, पब्लिक सेट की बात करते हैं, आई टोटली अगेंस्ट ऑल दिस। जितना भी इन लोगों के जितने भी मैनिफेस्टो है मैं उसको अपोज करता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर जितनी प्रगति से पिछले अगर आप देखिए 10 साल से 2014 के आगे का घटना और देखिए आज कश्मीर में हमें जम्मू में देखिए कितनी खुशहाली है। मानो आज मैं जानना आपके ही चैनल में पूछता हूँ, कहाँ है वो पत्थरबाज, कहाँ है वो स्ट्राइक्स, इकोनॉमी की तरफ से भी अगर आप देखें इतनी जोरों शोरों से इकोनॉमी यहाँ की बूस्ट हो रही है, और मानो 2 करोड़ के लगभग पर्यटक आना, तो क्या ये कभी संभव था, किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा बदलाव से पूरा जम्मू कश्मीर? देखिए, विपक्ष तो कह रहा है कि पर्यटक तो पहले भी आते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात? देखिए, उनकी जो एक विचारधारा है, उनकी परसेप्शन जो है, मुझे लगता है कि वो एक बुखलाहट में ऐसी परसेप्शन है, और आज बदलाव जो है एक आम आदमी, एक आम नागरिक, जब जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, स्पेशली मैं कश्मीर की बात करूं, आज सोच बदल चुकी है, आज वो नहीं चाहते कि ऐसी पार्टियां दोबारा आए जो यहां पर किसी माहौल खराब करने की बात करें और यहां पर एक सेपरेटिज्म को बढ़ावा दें।
लेकिन उस बीच में जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया, जात को जात से लड़ा दिया, धर्म को धर्म से लड़ा दिया है। मैडम मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक्चुअली कहने को कुछ नहीं है ना, अब तो एक रॉन्ग नैरेटिव पूरा फैलाना है, तो अब उनके पास बचा कुछ नहीं है, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। उस रॉन्ग नैरेटिव के को देखते हुए वो पूरी परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक आम आवाम, एक आम नागरिक जम्मू कश्मीर का जाग चुका है, और जो कभी ऐसा नहीं होने देगा कि पुराने वो दिन, पत्थरबाजों वाले दिन, स्ट्राइक्स वाले दिन जो वापस आए, जहां पर कश्मीर बंद रहता था, मानो महीनों बंद रहता था, मुझे लगता है कि आज उधर की भी अब खुल के जो आवाम है खुल के सामने आ चुकी है, और जो एक मोदी जी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं, और इसके परिणाम आने वाले दिनों में कुछ में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मैनिफेस्टो आपने भी पढ़ा होगा, कांग्रेस का भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तकदीर कर रही है बार बार कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पीडीपी भी कह रही है कि बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद मसले का हल हो सकता है। मुझे हंसी आती है मैं जब इनका मैनिफेस्टो पढ़ता हूँ, बातचीत होना चाहिए, एलओसी ट्रेड पे बात होनी चाहिए, कैसे? मुझे लगता है कि आज एक बहुत आज सुनहरा दिन है। आज मैंने भाजपा का दामन ज्वाइन किया, मैं आज पाकिस्तान पे तो बात ही नहीं करना चाहता। वैसे भी उस मुल्क की क्या बात करें जो अगले कुछ सालों में चार हिस्सों में बंटने वाला है, तो उनकी तो आज मुझे लगता है कि बात भी करना, मुझे लगता है कि आज तो अच्छा ही नहीं रहेगा। आज एक शुभ मुहूर्त है, आज हम भाजपा का अपने दामन पकड़ा है, और उन्हीं की नीतियों को लेकर जो मेक इन इंडिया की बात करें, जो मेड इन इंडिया की बात करें, हमें उस पर काम करना है। आने वाले समय में लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आती है तो वो देश को बांटने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार को अभी तक खत्म नहीं किया गया है, जो दावे किए गए थे वो जमीनी सतह पर दिख नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो पार्टीज हैं, खासकर मैं जब विपक्ष के नेता जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बोलते हैं, अब बताओ डोमेस्टिक पॉलिसी कौन चल रहा है? बाहर के मुल्कों में जाकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर कि उनको कड़ा डालने पर या पगड़ी पर, देखिए कितनी बातें करते हैं। तो राहुल जी की सोच दर्शाती है कि ये डोमेस्टिक पॉलिसी कौन चल रहा है। जनता जनार्दन सब जानती है कि देश को जोड़ने का काम कौन कर रहा है और देश को तोड़ने का काम कौन कर रहा है। इसके सारा फैसला आपको 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे आपके सामने परिणाम होंगे। लेकिन उस बीच में जिस तरह से आरोप भी ये भी लग रहे थे कि 370 को तोड़ा गया, बताया नहीं गया और अंदर डाल दिया गया और उसके बाद 370 को हटाया गया, लेकिन जिस तरह से 1953 की बात कर रहे हैं अब उमर अब्दुल्ला की, उस तर्ज पर यहाँ पर 370 को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा, उस पूरे एक सवाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए जितने मर्जी स्वप्न ये ले लें वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज प्रगति की तरफ जब जम्मू कश्मीर एक बढ़ता हुआ आगे चलता जा रहा है, और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मैं जब बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर एक मुकुट है हमारे हिंदुस्तान का, जो एक आज प्रोग्रेस की बात करता है, जो एक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक एक प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इसको डिस्कस भी करना कि 370 को वापस लाना एक मजाक होगा, जो गढ़ चुका है उसकी मुझे लगता है बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस बीच में जिस तरह से आरोप ये भी लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम किए वो नहीं होने चाहिए, आज जनता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, ये तो रिजल्ट जब सामने आएगा उसके बाद क्लियर होगा कि जनता ने किसे मैंडेट दिया है और किस तरह से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है, लेकिन विपक्ष के सवाल का जवाब। मुझे लगता है कि विपक्ष आज बुकलाहट में ऐसी परसेप्शन अपनी फ्लोट कर रहा है जिसको एक आम नागरिक आज पहचान चुका है, और उसी का रिजल्ट है आज लाखों की संख्या में, आज भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज उसका दामन लोग पकड़ रहे हैं, हम भी तो उनसे प्रभावित होते ही आगे आज उनका दामन पकड़ लिया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की बातें जितनी हैं उस सब का रिजल्ट आपको 8 तारीख को मिल जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साइकोलॉजी थी उसे तोड़ दिया है विपक्ष ने। मुझे डाउट है कि उनकी बात को भी मतलब हम लोग कैसे एक सीरियसनेस से लें। आपको लगता है कि उनकी साइकोलॉजी, उनकी जब हम बात करें, उनकी अगर मानसिकता की बात करें, अगर मैं मोदी जी की अगर आज मैं बात करता हूं, जिन्होंने आज पूरे विश्व में भारत का डंका हर जगह आगे सबसे आगे बढ़ के बज रहा है, तो क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी की उनकी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि उनकी सोच कुछ है, उनको विपक्ष ने हरा दिया। मुझे लगता है ही इज लिविंग इन ए फूल पैराडाइज। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसका नतीजा तो फैजाबाद सीट पर देखने को मिल ही गया था कि जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा गिनाया। देखिए आज फैजाबाद की सीट की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं पर जमीनी स्तर पर शायद और काम करने की जरूरत थी, उस बात को हम डिस्कस कर सकते हैं कि आगे और कैसे सुधार हो सकता है, जबकि कहना कि मोदी जी की सोच को आज विपक्ष ने जीता है, मुझे लगता है कि नहीं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उनकी एक ही सोच है कि देश को जोड़ते हुए उन्नति की तरफ
प्रगति की तरफ एक प्रथम स्थान पे कैसे लेके जाना है, वही उनकी सोच है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि अगर जनता खुश होती तो मैंडेट देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाती, दो बैसाखियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। देखिए, मुझे लगता है कि जब जनता की जब बात आती है, मुझे लगता है कि आज जब 240 का भी आंकड़ा बनने के बाद आज प्रधानमंत्री जो एक योजनाएं आज पूरे भारत में बनाई जा रही हैं, वो एक ही सोच को लेकर चल रही हैं कि हाउ टू मेक इन इंडिया मोर इफेक्टिव, कैसे बनाया जाए, एक भारत को किस तरीके एक आगे और बढ़ते हुए कदम में एक प्रथम स्थान पर लिया जाए। तो विपक्ष की बातें जितनी भी इस समय कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बुकलाहट। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बातें कर रहे हैं और एक रॉन्ग नैरेटिव की आज यहाँ पर एक स्ट्रेटजी से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके इनको डाउन किया जाए। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की जब मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि आज पूरा नेशक 140 करोड़ की जनता उनके साथ दिल से जुड़ी हुई है। चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं? भाजपा फिर से एक अपनी सरकार एक बड़ी एक मजबूती से बनाने जा रही, मैं तो इसी तरफ से देख रहा हूँ। लेकिन इस बीच में विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि जिस तरह का मैंडेट होगा उससे अंदाजा लगेगा कि आखिर जनता ने किस तरह का जवाब दिया है जम्मू कश्मीर के। लेट अस वेट फॉर द 8th। मैं तो 100% कॉन्फिडेंस से बात करता हूं कि भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, और अगर सरकार बन गई तो किस तरह की रणनीति रहेगी, गौरव गुप्ता क्या काम करेंगे? देखिए, आज ही मैंने ज्वाइन किया है और मेरी जो आज मेरी पार्टी जो भी मुझे काम देगी, सौंपेगी, जो भी जिम्मेदारी मेरा संगठन मुझे देगा, मैं एक आम एक सैनिक की तरह उनकी जैसी जो उनकी एक जो जिम्मेदारी जो मेरे पर सौंपेंगे मैं उसको निभाऊंगा। गौरव जी, जिस तरह से कार्यकर्ता होता है वो अपना ग्राउंड पर काम करता है और फीडबैक जो है वो अपनी डिपार्टमेंट में देता है, अपनी आपके जो पार्टी है वहां पर होगी, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे थे कि जो एक फीडबैक है वो सरकार के पास सही से नहीं पहुंच रही है जम्मू कश्मीर की, जिसमें बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बनकर सामने आया था, जिसमें 27% से भी कम बेरोजगारी आंकी गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको नहीं लगता है कि उस पर काम करने की जरूरत? मुझे लगता है कि काफी ऐसे इश्यूज हैं जिस पे काम करने की जरूरत है, और आने वाले टाइम पे अगर हमारी सरकार जिस तरीके में कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं बनाने जा रही है, मुझे लगता है कि आपको सारे जवाब 8 तारीख को मिल जाएंगे, जब उसके बाद नई पॉलिसीज के साथ, नई योजनाओं के साथ एक सुनहरे जम्मू कश्मीर का जो एक स्वप्न है जो हमने लिया हुआ है कि एक प्रथम स्थान पे जिस तरीके हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं भारत के नक्शे पर, उसी तरीके जम्मू कश्मीर एक प्रगति से एक उन्नति से आगे बढ़ेगा। विकास को लेकर जो बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन आम जनता के साथ जितनी भी बात होती है और विपक्षी पार्टियां जो कह रही है, वो कह रही है जमीनी सतह तक वो विकास नहीं दिख रहा है। मुझे आज हंसी आती है जो लोग बोलते हैं जमीनी स्तर पर विकास नहीं दिख रहा। आज मानो जम्मू में जब हम बात करते हैं, आईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, या एम्स की बात करें, या मानो आप जब तभी ब्रिज से चलते हैं कितना बड़ा तभी बराज और रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, फिर आप बालाजी तिरुपति मंदिर देखते हैं, फिर उसके बाद लेजर शो देखते हैं, फिर मानो सुचेतगढ़ बॉर्डर परेड को देखते हैं, तो जम्मू की बात कर रहा हूँ। फिर आप कश्मीर में जाते हैं, पोलो व्यू मार्केट में रात को जिस तरीके की चहल पहल है, रात को भी 12 बजे सैलानी वहां पर घूम रहे हैं, डल लेक में भी एकदम पूरी नाइट लाइफ अगर आप देखें पूरे श्रीनगर में इस समय देखने को मिल रही है, थिएटर जोन है। तो ये अब मुझे लगता है कि जिन लोगों को चेंज नहीं दिख रही, आज उनको चश्मा डालने की जरूरत है, एक चश्मा अच्छे तरीके से डाल के देखें कि बदलाव जो वो है, जो हम बदलाव उसको कहेंगे, चेंज वो है जो विजिबल हो, और ये तो ऑन ग्राउंड दिख रही है। अब मुझे हंसी आती है कि जो लोग आज भी बोलते हैं कि हमें कुछ बदलता जम्मू कश्मीर नहीं दिखा, मानो आज आप राष्ट्रीय मार्ग ही जब देखिए जम्मू से कश्मीर का क्या सुनहरी सड़कें हैं, तो मुझे लगता है कि आज उन लोगों को एक सख्त जरूरत है एक चश्मा डालने की, आंखें खोलने की, और जो चेंज है उसको अप्रिशिएट करने की। आज तो विपक्ष कह रहा है कि लोगों की जो डिमांड है, जो लोगों की जरूरत है, नीड है, वो नौकरी है, पैसा है। आपको लगता है कि लंबी लंबी सड़कें और इस तरह से जो सड़कों का जाल बिछ रहा है उससे लोगों का विकास हो रहा है? मैडम देखो, ऐसा है कि मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैकग्राउंड से हूँ, और आज मैं आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि 28,400 के जब हम पैकेज की बात करें, मानो इतनी इंडस्ट्रियाँ वहाँ से बाहर से आ गई, यहाँ पर लगभग 3 महीने पहले इस पोर्टल को बंद करना पड़ा, फिर हमने माननीय उपराज्यपाल जी को रिक्वेस्ट की इस पोर्टल को आपको बढ़ाना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े स्तर पर आई और वो पोर्टल खोला भी गया। आज आप फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री की बात करें, आप ब्रेवरेजेज की बात करें, कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये तो जमीनी स्तर पर सब कुछ दिख रहा है। और आज जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, ये जब आप खुद सोचिए एक ट्रांजिट फेज से जम्मू कश्मीर निकला, जब ये इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग जाएंगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली रोजगार बनी जो बात है, मुझे लगता है कि आने वाले
वाले टाइम पे एक बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी समस्या को पूरा खत्म किया जाएगा। 53,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात हुई थी, क्या वो जमीनी सतह तक पहुंचा? और दूसरा ये कि जिस तरह से इंडस्ट्री लगाने की आपने बात कही, इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहा है, रोना रो रहा है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, इंडस्ट्री किस तरह से चलेगी? मैं तो आज ये बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं इंडस्ट्रीज यहाँ पे रो रहे हैं, मैं तो आज ये बात करूंगा, आप जमीनी स्तर पर आप एक सर्वे करिए। 28,400 करोड़ का जो पैकेज था, आप देखिए 2 महीने पहले ही उसकी विंडो को बंद करना पड़ा, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। तो ये विपक्ष की राजनीति है कि जो यहाँ पर आकर रॉन्ग नैरेटिव यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। मैं उन तमाम फोर्सेस को आज वॉर्न करना चाहता हूँ कि जब आज एक बड़ी चेंज से, बड़े बदलाव से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे रॉन्ग नैरेटिव ना दीजिए। एक तो आज जनता जान चुकी है, अगर प्रगति की बात करेंगे, आज उन्नति की बात करेंगे, या अगर हम आगे बढ़ने की बात, मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है, अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1,000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास करेंगे। एक ही विकल्प है पूरे देश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि जितने भी माइंस हैं वो सब बाहर बेचे जा रहे हैं, बिजली बाहर बेची जा रही है, आम जनता को यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। मैं इन आरोपों को एकदम खारिज करता हूँ, मैं इन आरोपों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। काफी कुछ करने की जरूरत है और काफी कुछ पॉलिसीज में नए बदलाव लाने की जरूरत है, हम उस पर काम करेंगे। कीरू परियोजना, रथली प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, एनएचआई की तरफ से जो यहां पर काम किया गया, लेकिन जिस तरह से आम जनता को फ्री बिजली देने की बात हो रही थी कि जो जनता जिले के अंदर आती है या फिर जुरिडिक्शन में आती है तो उन लोगों को इसका फायदा होगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। इवन कि बाहर से लोगों को लाकर यहाँ काम कराने की कोशिश की जा रही है, रोजगार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मैडम, जब आप केरू प्रोजेक्ट की बात करते हैं, रथली प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आने वाले 1.5-2 साल में ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और मानो फिर बिजली का इतना बड़ा यहाँ पर आभार होगा, यहाँ पर इतनी बिजली होगी कि हम लोग आगे इसको सप्लाई करेंगे और जम्मू कश्मीर जो एक अहम स्थान पर, जहाँ पर इतनी ट्रिब्यूटरीज जहाँ पर बहती हैं, इतनी बड़े स्तर पर पानी बहता है, आप मानो हाइड्रो इलेक्ट्रिक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष के एक रॉन्ग नैरेटिव है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम उसको खारिज करते हैं। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हुई थी, कश्मीर के अंदर तो टूरिज्म पहले भी था, लेकिन जम्मू के अंदर जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ाने की बात हुई थी, क्या वो हो रहा है? आर्टिफिशियल लेक को लेकर अगर हम बात करें, 2012 उसका डेडलाइन था, आज 2024 है। आप देखिए, आज भी काम चल रहा है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स को टाइम थोड़ा लग जाता है, पर आप ये भी मानिए कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद पड़े थे पिछली सरकारों में, और आज जब हम तभी ब्रिज से निकलते हैं, देखिए कितने बड़े स्तर पे उस पे काम चल रहा है। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे एवेन्यूज को डेवलप करने की जरूरत है, जो जिस तरीके आज भाजपा इनको डेवलप कर रही है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे टूरिस्ट का जो एक बहुत बड़ा एक पहरा जम्मू में भी होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 75 ऐसे टूरिस्ट पॉइंट थे, डेस्टिनेशंस थी, जिन्हें चिन्हित किया गया था कि अपग्रेड किया जाएगा, क्या उस पर काम हुआ? 100% काम चल रहा है उस पर, 100% उस पर काम चल रहा है। अनएक्सप्लोर्ड जो एक ऐसी डेस्टिनेशंस हैं उस पर काम चल रहा है, और कुछ ही आने वाले टाइम पर आपको दिख जाएगा, अगर भाजपा अगर फुल फॉर्म में यहाँ पर जिस तरीके हम जिस कॉन्फिडेंस से बात करें अपनी सरकार बनाएगी, और आने वाले टाइम पर जितनी अनएक्सप्लोर्ड हमारी डेस्टिनेशंस हैं वो एक एक्सप्लोर्ड तरीके से जिस तरीके हमने उसका पूरा ग्राउंड वर्क किया हुआ, मुझे लगता है आने वाले टाइम पर आपको एक सुनहरा जम्मू कश्मीर। मिशन यूथ को लेकर बात की गई थी कि बड़ा काम होगा, बॉर्डर आउटरीच प्रोग्राम को लेकर काम होगा, क्या बॉर्डर आउटरीच प्रोग्राम काम कर रहा है? इस पर मिशन यूथ किस तरह से काम कर रहा है? आज भी कर रहा है, लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि जमीनी सतह पर कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, जब आप आरोप की बात करते हो, आप मुझे बताओ विपक्षी जितनी भी पार्टीज हैं वो क्या, वो आपको लगता है कि वो अप्रिशिएट करेंगी किसी भी चीज को? क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। आज भाजपा ही एक विकल्प है जिसने आज एक प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ जम्मू कश्मीर को ले गया। आम जनता को साथ लेकर किस तरह से काम करने की कोशिश की जाएगी गौरव गुप्ता की तरफ? मेरे को मैम जो आदेश होगा पार्टी की तरफ से, और एक जनता के बीच से ही मैं निकल कर आया हूँ, और आज जनता के लिए ही मुझे आगे बात करनी है, तो मेरी जनता जब हमारे साथ होगी, जो जैसे उनके सुझाव होंगे उनके अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है गौरव गुप्ता ने, पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम कर चुके हैं, जम्मू क्लब के अंदर काम कर चुके हैं, अब पार्टी को ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि आम जनता के हक को यहाँ पर लेकर काम किया जाएगा, उनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।
चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।